हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे फैमिली ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैंने एक कप कॉफ़ी बना के तनु के पापा को दे दिया, वो पी रहे हैं अंदर। और आज मैं बनाऊंगी दाल के परांठे, क्योंकि उस परसों मैंने दाल बनाई थी ना, वो रखी हुई है बहुत सारी, तो उसके बाद दाल के परांठे बना दूँगी। तनु भी खा लेता है दाल के परांठे। गाइस, मैंने अपना आटा वगैरह लगा दिया है, और कई दिन से ना मलाई इकट्ठी हो रही थी। ये सोच रही थी मैं कि ना उसका घी बनाऊंगी। और आज सुबह सुबह मैंने लगा दिया था नंबर मलाई का, और आपको दिखाती हूँ। देखो मेरा कितना सारा, ये देखो गाइस कितना सारा मक्खन निकल चुका है। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, 3-4 पानी से, ठंडे ठंडे पानी से धो के इसको, अब इसको तने के लिए रख दूंगी। अब देखती हूँ उसके अंदर से कितना घी निकलेगा। यहाँ पे तने इसके भी उठ चुका है, और अभी ये जाएगा स्कूल। भाई इसको नहला देती हूँ मैं। और ये देखो नव्या यहाँ पे खेल रही है, दोनों बच्चे उठ के खेल रहे हैं, दोनों उठ के थे एक साथ ही। अब तनिष्क को नहला के भाई यहाँ पे तनिष्क नहा धो के रेडी हो चुका है, और कर रहा है अपना नाश्ता, परांठा और मलाई। अभी स्कूल चला जाएगा ये। तनु के पापा भी नहा रहे हैं, वो नहा लेंगे और फिर से स्कूल छोड़ आएंगे। बोल दो ना। तो तनिष्क स्कूल के लिए रेडी हो चुका है, अभी जा रहा है स्कूल। पानी की बोतल कहाँ है बेटे? ठीक है, आज तनिष्क की सुबह सुबह पिटाई होगी, क्योंकि ये फोन मांग रहा था, स्कूल के लिए रेडी नहीं हो रहा था, स्कूल का टाइम हो रहा था, और तो इसके 2-3 थप्पड़ के साथ इसकी पिटाई होगी है सुबह सुबह। इसने स्कूल से वापस आ गया है, क्योंकि तनिष्क की थी छुट्टी, और मैम ने ना तो कल मैसेज किया और ना ही बताया कि छुट्टी है स्कूल की, और ये तैयार होकर स्कूल चला गया था। अब वे वापिस आ गया है, और नव्या नहा धो के रेडी हो चुकी है। अब इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी तनिष्क आ गया स्कूल की छुट्टी होता कम से कम मैडम को बताना तो चाहिए, लेकिन मैडम ने ना ये मैसेज भी नहीं किया और ना ही बताया कि स्कूल की छुट्टी है, नोट भी नहीं डाला। तो सुबह सुबह इतना, आज तो तनिष्क की पिटाई भी हो गई थी स्कूल के लिए। तो गाइस देख लो, नव्या ने जिद लगा ली है, कह रही है मैं नीचे जाऊंगी, और ये रुक नहीं रही है। इसकी मम्मी कोशिश कर रही है बार बार रोकने की, पर रुक नहीं रही है ये। एक एक पैडी करके देखो कहाँ तक जा चुकी है, बड़ी शरारती हो गई है। अब हमें ना इसका बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि ना इसका भरोसा नहीं है कि अपने आप ही उतर जाएगी, और उतरेगी क्या, ये तो लुढ़कती लुढ़कती जाएगी। फिर झूले में तभी तो नीचे उतर के बैठी थी, और अपने आप झूले से निकल के बाहर बैठी है। हम देखो पता नहीं कहाँ गई नव्या, 10 महीने की हो जाएगी भी, 24 न। गाइस तनिष्क नव्या का हेयरबैंड लगा के बैठा हुआ है, बोल रहा है कि मैं भी लगा के देखूंगा हेयरबैंड मम्मा जी नव्या का। तो अभी नव्या का हेयरबैंड लगा के बैठा। हाय तनी, कैसी हो? अच्छी है। और खाना खा लिया क्या? नहीं। खाना नहीं। खाया तो था, अरे भूल गई क्या? तो यहाँ पे तनिष्क क्या कर रहा है, और नव्या लग रही है अपने खेलने में, और बोल रहा था कि मम्मा जी गाइस को दिखाओ मेरे को, और छुट्टी होगी इन दोनों की। अब यहाँ पे कर रहे हैं परेशान मेरे को, क्योंकि मैंने तो अभी तक काम नहीं किया, पोछा रहता है और बर्तन रहते हैं, लेकिन दोनों के दोनों बच्चे हैं शरारत करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं मान रहे। इनको छोड़ के जाऊंगी तो खा लेंगे चोट। नव्या 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 बेटी, सुबह मक्खन से घी बनाया था ना, इतना सारा घी निकला है मेरा, ये वाला कटोरा भर गया है पूरा, और ये ना आधा था, इसे मैंने सुबह परांठे बना लिए हैं, और इतना बचा है, इतना सारा घी निकल गया था। और मलाई थी दोपते से तो कम ही थी, 10 या 12 दिन की मलाई थी, उसमें इतना सारा घी निकल गया है। अब इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। नव्या सो चुकी है यहाँ पे खेलने के बाद, नव्या तो सो गई थी, लेकिन ये शरारती बच्चा नहीं सोया, ये यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, और देखो इसकी एक्टिंग, ये सोने की एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे। सो गया। ये भी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जैसे घी को उठा के रसोई में से और फ्रिज में रखने लगी ना, वो ऊपर तक भरा हुआ था ज़्यादा, और जैसे ही फ्रिज खोल के फ्रिज के अंदर रखा ना, वो सारा का सारा ऊपर ऊपर वाला नीचे ही गिर गया, आधा तो फ्रिज के अंदर गिर गया और आधा नीचे गिर गया फर्श पे बाहर। अभी मैं इसकी सफाई करनी पड़ेगी, पहले तो काम निपटे नहीं थे, अब दूसरा और काम बिखर गया है मेरा तो। सुबह से ना ऐसे ही है, दोनों बच्चे नहीं परेशान न कर रहे थे, अभी आगे से आगे काम भी मेरा बिखरता ही जा रहा है।
और ये मेरे यहाँ पे ना फुंसी हो रही है, दो तीन दिन से पता नहीं किस वजह से हुई, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे अंदर तक, जिसकी गांठ सी होती है ना ऐसे अंदर तक है, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये ऊपर तो कम दिख रही है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये देखें इसको अपनी दीदी की कितनी चिंता कर रहा है, जाली लगा दी है इसने अपनी दीदी के लिए। दीदी की चिंता हो रही थी। और पीछे ना घी खिंडा हुआ है बेटा फ्रिज के पास, अभी साफ करूंगी उसको, ठीक है। अरे पीछे नहीं, आगे दरवाजे के पास, उधर दिखेगा नहीं। हेलो गाइस, जय श्री श्याम, मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे। और अभी मैं दुकान पे आया तो मेरे को कुछ अलग कुछ दिखा और मैं आपको वो सब शेयर करना चाहता हूँ गाइस। काफ़ी टाइम पहले हमारे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक बार ऊपर का। ये देखो गाइस, मैंने ना अपनी दुकान में ना ऊपर पीवीसी की छत करवा रखी है, तो उसके ऊपर है ना जगह होती है पीवीसी के ऊपर। तो गाइस अभी मैंने आपको दिखाया, तो इसके पीवीसी के ऊपर हमारा जो है ना कैमरे का डीवीआर रखा हुआ है। तो अभी कल मेरे पास कोई कस्टमर आया था और उनका यहाँ पे आया था, तो घर गए ना, वो घर जाने के बाद उनका क्या हुआ कि कान का एक टॉप्स कहीं पे गिर गया। अब उनका रात को फ़ोन आया था मेरे पास के, देखना भाई तुम्हारी दुकान पे तो नहीं गिर गया हमारा टॉप्स। तो उसको मैं देखने के लिए मैंने जैसे ही कैमरा चलाया ना, तो कैमरे की जो क्लैरिटी थी ना वो क्लियर नहीं आ रही है। देखो गाइज पिक्चर क्वालिटी जो क्लियर नहीं है, उससे हमारे को पता नहीं चल पा रहा कि इन आंटी का जो टॉप्स यहाँ पे गिरा है कि कहीं पर बाहर गिरा है। उसके लिए मैंने कैमरा वाले बुला रखे हैं, तो मैंने उनको बुलाया सर्विस के लिए। और गाइज मैंने सोचा जब तक वो कैमरा वाले आएंगे, लड़के आएंगे ठीक करने के लिए, तो मैंने सोचा एक बार मैं खुद ही चढ़ के ऊपर देख लेता हूँ जहाँ पे डीवीआर रखा है, अगर कोई वहीं से कुछ हिला डुला के अगर हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मैं उसको मैं देख रहा था कि खुद ही देख लेता हूँ। तो मैंने जैसे ऊपर जाके उसको मैंने थोड़ा सा उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम से जो मैंने कर भी दिया लेकिन हुआ नहीं। तो गाइज ऊपर जब मैं गया तो मैंने ना कुछ और दिखा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था कि काफ़ी टाइम पहले ना, अभी मैं दिखा देता हूँ मेरे को क्या दिखा ऊपर मेरे को। देखो गाइज ये वाला अंडा मिला, ये कबूतर का अंडा है। तो गाइज क्या हुआ था कि काफ़ी टाइम पहले ना हमारे इस पे छत के ऊपर जैसे पीवीसी के ऊपर कबूतर ने घोंसला बना लिया था, तो उसमें ना अंडा दे दिया था उस कबूतरी ने। और कबूतरी ने अंडा देने के बाद क्या हुआ था कि वो ना 15 दिन 20 दिन महीने के बाद जो है ना उसमें से बच्चा निकल गया था। और मैंने उसका बच्चे को बड़ा होने तक का इंतज़ार किया था कि एक बार ये बच्चा बड़ा होकर उड़ जाए, ताकि मैं ये जहाँ से घुसे थे ना कबूतर, पीछे एक रास्ता था एक छोटा सा जहाँ से एग्जस्ट फैन लगता ना वहाँ पर एक रास्ता था। तो मैंने सोचा जब तक ये उड़ जाएगा, उड़ने के बाद मैं उस रास्ते को बंद कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो क्या हुआ कि मैंने अब वो कबूतर उड़ के चले गए, मेरे को पता लगा अब कबूतर नहीं है यहाँ पे और उड़ के चले गए हैं। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे ना एग्जस्ट फैन लगा दिया और वहाँ से मैंने रास्ता बंद कर दिया। और आज मैं जैसे ऊपर चढ़ा तो मेरे को वहाँ पे एक अंडा मिला। देखो रास्ता तो वहाँ पे कबूतर के आने का है नहीं कहीं से भी, और ये अंडा मेरे को वहाँ पे मिला। मुझे लगता है कि उसी टाइम से ये अंडा वहीं पे है। अब क्या देखा मैंने उसको उठा के, इसको मैंने उठा के देखा ना गाइस, तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। इसके अंदर ना तो कुछ है, ना कोई लिक्विड है, ना कोई बच्चा है, ना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, सिर्फ खोल खोल है पूरा, ठीक है गाइस। तो मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया हूँ, कन्फ्यूज का टेंशन भी है मुझे इस बात की। कहीं देखो भगवान जी को मैं आप भगवान जी से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भगवान जी मेरे को इसके बारे में पता नहीं था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, अगर मेरे को पता होता कि यहाँ पे अंडा है तब भी मैं उस रास्ते को बंद नहीं करता, ठीक है। तो गाइज अभी मैं आपसे ये आपसे सलाह कर रहा हूँ, आप मेरे को बताना कमेंट में बताना कि मैं इस अंडे का क्या करूँ, ठीक है गाइज, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ इसको लेके कि मैं इस अंडे का क्या करूँ। तो देखते हैं गाइज थोड़ी देर में आ जाएंगे वो लड़के, अभी उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि हम 10 मिनट में आ जाएंगे आपकी शॉप पे और आपके कैमरा को ठीक कर देंगे। तो चलो गाइज उनके आने के बाद देखते क्या होएगा, हमारी क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी क्लियर होगी कि नहीं। तो गाइज ये कैमरा ठीक करने के लिए लड़के आ चुके हैं और मैंने इनको सारी प्रॉब्लम बता दी है कि हमारे कैमरे में क्या क्या दिक्कत है। तो इन्होंने सब कुछ देख के अभी इन्होंने हमारे को एस्टिमेट बताया है कि इसमें हमारा 1000 रुपये का खर्चा आएगा, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि मैं हम आपको ना लंच के बाद ही करके जाएंगे इसको ठीक है। तो आएंगे फिर ये लंच के बाद। तो सो ही रही थी तो मैंने अपने फटाफट से सारे काम निपटा के अपना नहा धो भी ली थी मैं, और नहाने के बाद मैंने प्रेस के कपड़े निकाले थे कल कि मैं प्रेस करूँगी, कल तो नहीं, तो मैंने फटाफट से आज प्रेस के भी कपड़े अपने प्रेस कर दिए हैं। और जैसे ही प्रेस हुई काम कंप्लीट हुआ तभी उठ चुकी है नव्या रानी,
नव्या नपू नव्या और वो शरारती तो सोया ही नहीं है, वो तो ऐसे ही मस्ती कर रहा है। दोपहर से इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए खाना खाने के लिए। तो अब देखो कि आपको टाइम दिखाती हूँ, 4 बज चुके हैं लेकिन वो अभी तक भी खाना खाने के लिए नहीं आए। और तनु को तो मैंने बना के खिला दिया था और अपने लिए मैं लेके आई हूँ अब बना के ये खाना। अब तनिष्क नव्या और मैं हम तीनों खाएंगे। सो गया नहीं, खाना खाओ पहले। तो वो तो आए नहीं, फिर हमें अपने लिए बनाना पड़ेगा। इस पूरा दिन से अभी आया ये और आते ही नव्या कैसे इनकी गोदी में चली गई है और तनिष्क बाहर बुला रहे ने। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बरवा मिर्च की रेसिपी और अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे फ्राई करती हूँ मिर्चों को। ये देखो गाइज, मैंने ये 2-3 दिन पहले बाहर गली में सब्जी वाला आया था उससे ली थी, 250 ग्राम हरी मिर्च मोटे वाली। और तो मैंने इनको अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद इनमें ऐसे एक एक कट लगा लिया है लंबा कट लगाने के बाद यहाँ पे है हल्दी, नमक, थोड़ी सी मिर्च, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर को मिक्स कर लिया है ये। अब इन सारे उसको ना मसाले को मैं इनमें भर दूंगी मिर्चों में। अभी दिखाती हूँ आपको भर के कैसे भरना है। ये देखो गाइस, मैंने एक एक करके सारी मिर्चों को भर दिया है और मैं इनमें एक ना छोटा सा प्याज भी काटूंगी। प्याज से ना और भी थोड़ा इसका स्वाद बढ़ जाता है। अगर जो ऐसे बनाओ तो ऐसे सिंपल इनको फ्राई करो जब भी अच्छा स्वाद आता है, लेकिन एक प्याज और डाल देती हूँ छोटा सा, उससे भी और स्वाद अच्छा आ जाता है और तनु के पापा को अच्छा लगता है छोकी हुई मिर्चों में प्याज। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कैसे इसको मैं फ्राई करूँगी। वो देखो तनिष्क, आपको दिख रहा होगा कहाँ पे छुपा हुआ है। हेलो तो कर दो, हेलो करो, ऐसे दिख नहीं रहे, हाथ तो कर करो, हाथ करके तो दिखाओ, दिख नहीं रहे, हाथ हिला के दिखाओ, आ जाओ। यहाँ पे मैंने फ्राई बिन में तेल डाल के और यहाँ पे प्याज फ्राई कर रही हूँ। थोड़े से प्याज गोल्डन कलर के हो जाए, बस थोड़े से लाइट गोल्डन पिंक पिंक से, बस जरा जरा से, हमें इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट पिंक पिंक सा करना है थोड़ा सा। ये लाइट पिंक हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें ना आपको दिखाती हूँ। अब इसमें ना मसाले डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं मिर्चों में, और बाकी मसाले डालने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं इनको ना ऐसे मिर्चों को ऐसे रख दूंगी और जैसे जैसे मिर्च फ्राई होंगी ना वैसे वैसे ये भी फ्राई हो जाएंगे धीरे धीरे बिल्कुल, और इसकी गैस की फ्लेम कर दूंगी बिल्कुल जीरो। देखो इनको ना एक एक को बिल्कुल जचा जचा के रख रही हूँ मैं, और इनको ना थोड़ी थोड़ी दो दो चार चार मिनट में ना इनको पलटती रहूंगी। अभी बस इनको ना ऐसे 3-4 मिनट के लिए ढक दूंगी और थोड़ी देर बाद फिर इनको खोल के पलट दूंगी और आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कैसे बनेंगी। देखो गाइस, मिर्च कैसे बन के रेडी हुई है। अभी बस थोड़ी सी और एक साइड से फ्राई होनी बाकी है, और मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है नव्या को और एक हाथ से मैं फ़ोन लेके शूट कर रही हूँ। तो नव्या भी बहुत देर से रो रही थी तो इसलिए मैंने नव्या को भी साथ में ले रखा अपने, और बस जरा से ही देर में थोड़ी सी देर में अभी बन के तैयार हो जाएंगी मिर्च। 90% तो बन चुकी हैं, बस 10% बननी बाकी है, वो भी हो जाएंगी, फिर दिखाऊंगी आपको कैसी लगेगी। देखो यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है मिर्च,
और दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। अब थोड़ी देर में तनु के पापा आ जाएंगे, वो खा के बताएंगे कि कैसी बनी है मिर्च। और सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है गाइज, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा, और तनु के पापा को यही अच्छी लगती है तो इसलिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है। ये देखो बहुत देर से ना नव्या रो रही थी, सोने के लिए रो रही थी, मैंने जरा सा दूध पिलाया इसे और एक सेकंड में ही सोगी क्योंकि ना इसे नींद आ रही थी बहुत तेज से, तो अब सोगी है ये। मैंने मिर्च तो बुक कर दी है, बन गई है। और अभी मैं आटा गूंदूंगी और आटा गूंद के तनु के पापा आएंगे ना, फटाफट से रोटी बना दूंगी उनके लिए क्योंकि उन्होंने दिन में नियाज रोटी खाई है, सुबह ही खा के गए थे वो। अभी तनु के पापा आए थे और उन्हें भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, तो मैंने आते ही उनके लिए खाना बना दिया है। ये खाएंगे मिर्च के साथ रोटी, और पूछ लूँगी उन्हें अगर जो दही या मलाई चती होगी तो दही या मलाई भी ले लेंगे वो साथ में, और खा के बताएंगे कैसी बनी है। खाना खुना खा लिया है, तो उनके पापा को आते ही भूख लगी थी तो इन्होंने आते ही खाना खा लिया अपना। और तनिष्क जिद कर रहा है कि पापा मेरे को ना फन फेयर में घुमा के लेके आओ। अब तनु जा रहा है अपने पापा के साथ फन फेयर में घूमने के लिए। हाँ पहले भूत देखेगा, ये भूत बंगले में जाएगा और जूत तो गाइस तनु और तनु के पापा जाएंगे दोनों के दोनों फन फेयर में, और नव्या और मैं रहेंगे घर पे। हम फिर चले जाऊंगे किसी दिन, देख के Okay. और नहीं बड़े झूले पे किसी पे मत बिठाना, इसने डर जाएगा और पैसे ही वेस्ट जाओगा। फिर ऐसे ही देख के आ जाओ जब दीदी चलेगी ना, जब झूलना ठीक है, चीज खा के आ जाना ऐसे ही घूम के अंदर ठीक है, छोटे झूले पे झूल लेना, फिर जब हम जाएंगे हमारे साथ झूलना बड़े झूले पे तो ठीक है, हमें भी तो झूलना है। नहीं भूत में मत जाइए, हैरान ही रह जाओगे भूत में तो। तो भाई अभी अभी आए हैं तनु और तनु के पापा माँ से मेले में से घूम के, और नव्या के लिए लेके आए हैं ये चीज, और नव्या के लिए लेके आए दो पजामी, ये वाली और एक ये नव्या ने पहन रखी है दो। बोले कि नव्या की ना सारी पजामी खराब हो रखी थी, तू तो लेके नहीं आएगी, मैं ही लेके आया हूँ उसके लिए पजामी, दो लेके आए हैं। लेकिन इसके पास पड़ी थी बहुत सारी, लेकिन फिर भी दो ले आए नव्या के लिए। और वैसे भी अभी सर्दी आने वाली है, मैं इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि सर्दियों में तो पजामी पहनेगी है, फिर भी वो ले आए। और अभी अभी दोनों पापा बेटा रसोई में जाके बना रहे हैं नींबू पानी, बन गया। और तनिष्क को ये अपने जूते बहुत पसंद आए, आयरन मैन वाले, यही पहन के गया हुआ था अभी, बहुत सारी चीज लेके आया था और खा ली इसने सारी चीजें। लंबे लंबे आदमी भी थे। तो भाई इन दोनों ने अपना नींबू पानी पी लिया, नींबू पानी पीने के बाद मैं बोलती बेटा अब दूध पियोगे, बोला हाँ मैं पीऊंगा मम्मा दूध। जैसे ही इसको लेके आई ना मैं इसके लिए दूध, और मना कर दिया कि मेरे को दूध नहीं पीना, अब वो ऐसे ही रखा हुआ है मीठा होया हुआ। और अब तनिष्क को याद आ गया कि मम्मा मेरे को तो ना अपनी चैन पहन के ही सोनी है, तो अभी चैन उठा के लेके आया और चैन पहन के ही सोएगा। ये क्या हुआ बेटा, ये देखो चैन की करने बैठ लगा हुआ है, ये चैन पहन के सोएगा अब। क्या कर रहे हो, खोल रहे हो, ऐसे ही आ जाएगी, खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पहननी जाएगी, गले उसमें गले सिर में से डाल ले चैन पहन के, अभी सोएगा ये। और नव्या यहाँ पे खेल रही है चम्मच के साथ, नव्या को सुलाऊंगी पहले, अभी तनिष्क को, और तनिष्क को भी अभी सुला दूंगी क्योंकि तनिष्क दिन में नहीं सोया था। ऐसे पहनते हैं आज, अब क्या याद आ गई चैन पहनने की, ठंड हो रही है, सुला दो अभी। तो गाइस तनु के पापा हर रोज ये करते हैं कि एसी को ना फुल करके चला देते हैं, और इन्हें तो सर्दी लगती नहीं, लेकिन मेरे को और तो और नव्या को अभी तो सर्दी लगती है, और इन्हें बुखार हो जाता है नव्या को और तनिष्क को, क्योंकि तनिष्क कंबल भी नहीं ओढ़ता हैगा, तो और चलाते ही है फुल करके ऐसी। रात को मैं और नव्या तो सोए थे बाहर, और आज भी सोच रहे हैं कि ये तो करेंगे नहीं, ये तो अपनी मरमर्जी चलाते हैं, ये तो करेंगे नहीं ऐसी को बंद और ना ही कम करेंगे, लेकिन हम मेरे को और नव्या को बाहर ही सोना पड़ेगा आज फिर, क्योंकि हमें लगती है सर्दी।
और इन्हें तो बहुत ज्यादा गर्मी लगी हुई है। तो गाइस आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं कल सुबह आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं।